हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LICI यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 1010 इसकी करंट प्राइस चल रही है और पिछले दिनों से स्टॉक में जो है कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुका है। 980 से लेके 1020 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आने के बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक ऊपर की ओर बाउंस कर चुका है। अभी फिर से स्टॉक यहीं से ऊपर की ओर बाउंस करते हुए दिखाई दे सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो 1060 से लेके 1080 का रहेगा। इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर स्टॉक में 1180 से 1200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पहले से ही स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस जो है इसकी लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है। और सबसे अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, पिछले एक साल की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो 55% से भी ज्यादा रिटर्न हमें स्टॉक में यहां पे देखने को मिल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। फोरकास्ट एंड रेटिंग में 16 एनालिस्ट हमें यहाँ पे 69% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके चलते स्टॉक में बहुत ही जल्दी जो है ऊपर की ओर बाउंस, ऊपर की ओर तेजी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पीयर्स की, तो पीयर्स के अंदर हमें यहाँ पे बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देखने को मिल जाते हैं। और प्राइस कंपेरिजन की भी बात करना ज़रूरी रहेगा। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो LIC में काफ़ी अच्छे जो है रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं बजाज फिनसर्व और SBI लाइफ के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक Angel1 Upstox की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।